हेलो गाइस, मैं आप लोगों के साथ आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसके वजह से हाल ही में बहुत ही हिंसक रूप ले लिया था और इसका प्रदर्शन और प्रतिरोध भी बहुत हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ अग्निपथ स्कीम का, जिसे हाल ही में भारत सरकार ने लॉन्च किया था और ये सिर्फ वो कैंडिडेट के लिए है जो कि सोल्जर बनना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, पर ऐसा क्या हुआ, जो कैंडिडेट सोल्जर बनना चाहते थे उसके दिल में विरोध और प्रतिरोध आ गया था। इस सच्चाई को जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। पहला बात तो ये दोस्तों कि ये स्कीम में जो नियम बनाए गए थे वो कैंडिडेट को अच्छा नहीं लगा। तो वो नियम क्या है दोस्तों, पहला नियम तो ये कि जिसका एज लिमिट 17.5 से लेकर 21 साल तक का है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर इसे बाद में 23 साल तक कर दिया गया था। पर दोस्तों, जिसका उम्र 23 साल के बाद पार कर चुका है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो सवाल यहां उठता है कि जिसका अभी भी वो सोल्जर बनना चाहते थे जो कैंडिडेट, और वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसका एज लिमिट क्रॉस कर चुका और दिन रात मेहनत किया था, इसी के कारण ये क्रोध और प्रतिरोध पैदा हो गया। दूसरा नंबर तो ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए 100 कैंडिडेट अगर सोल्जर बन गया तो उसमें से मात्र 25 कैंडिडेट यानी 25 सोल्जर को ही अपना ड्यूटी आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। बाकी जो 75 कैंडिडेट यानी 75 सोल्जर है उसे आउट कर दिया जाएगा यानी निकाल दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट तो ये है दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी सोल्जर को अगर ड्यूटी करते समय कुछ हो गया तो गवर्नमेंट उसे 44 लाख रुपए और इंश्योरेंस रोटेशन करके टोटल 48 लाख रुपए तक का रकम उसे मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। पॉइंट तो ये दोस्तों, जो सोल्जर अगर 4 साल के बाद निकलेगा उसे गवर्नमेंट तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि वो सर्टिफिकेट लेके बैंक से कम दर ब्याज में लोन ले सकता है और अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। पर दोस्तों, सवाल तो यहाँ उठता है कि बहुत सारे कैंडिडेट बचपन से ही सोल्जर में जाने का सपना देखता है और ना जाने क्या क्या नहीं सेक्रीफाइस करता है खुद से और खुद के फैमिली से और खुद का खुशी से। पर दोस्तों, ये तो हम लोग भी नहीं समझ सकते। पर दोस्तों, अगर सोल्जर ना हो तो हम लोग भी सेफ नहीं होंगे। तो दोस्तों, सोल्जर के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। और दोस्तों, ये जो अभी हिंसक रूप लिया है ये होना सही है या गलत, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें जरूर बताइए। थैंक यू।